राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू नीत किशु क्रिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान तरीके से ठाकुर जी के लिए ये पोशाक बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी पोशाक है ये पोशाक, हमने 10 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। तो इसमें इसका टॉप पार्ट जो है हमने इसमें ही स्टिच कर लिया है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, इस प्रकार से है। और हम यहाँ पर इस तरह से जैसे हम ठाकुर जी को पहनाएंगे तो इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और पीछे डोरी बांध देंगे। तो इस तरह से हम पहनाएंगे, बहुत ही प्यारी पोशाक है और बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए इस प्रकार से है। हम अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए कुछ बना के पहनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ठाकुर जी को भी बहुत ही प्यारी पोशाक लगती है। तो चलिए इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे ये पिक है, हमने ठाकुर जी को पोशाक पहनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोशाक को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमने ये फैब्रिक ले लिया है इस तरह से, हमारा शाइनिंग में फैब्रिक है, सॉफ्ट वाला, बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है। तो इसकी चौड़ाई देखते हैं हम, इसकी चौड़ाई है लगभग 1.75 इंच और इसकी लंबाई हमने 65 से 70 इंच तक ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे 70 इंच है। इस तरह से दो पीस हैं हमारे, तो इन्हें सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर, और सेम हमारा लाइनिंग में भी दो पीस है तो उन्हें भी हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग को सीधा रखा है, इस मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे ऊपर से, जो हमारा जॉइंट है ऊपर की साइड में आना चाहिए और लाइनिंग का जॉइंट, लाइनिंग को जो हमने ज्वाइन किया है वो हमारा नीचे की साइड में, तब जब हम इसे सीधा करेंगे तो वो हमारा उस तरह बीच में अंदर आ जाएगा दोनों साइड। तो देखिए हमने यहाँ पे तीनों तरफ से हमें स्टिच करना है, तो तीनों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लिया है इस प्रकार से। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो इसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक है क्योंकि मुझे यहाँ पे 70 इंची फैब्रिक रखना है, और कॉर्नर पे हल्की सी कटिंग करेंगे, उस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो इसको कोनाई को अच्छे से निकालेंगे दोनों साइड। अब हम ऊपर के साइड में भी सिर्फ सिलाई लगा लेते हैं, इससे हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं जब हम इस पर लेस स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ भी हमने सिलाई लगा दी है, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे लेस ली, लेस आप अपनी पसंद से लीजिएगा, जो आपको पसंद हो वही लेस लगाइएगा। मैंने मेरे पास ये है तो मैं ये वाली लेस लगा के इसे बनाऊँगी। बहुत ही प्यारी सी पोशाक रेडी हुई है हमारी। तो हमने यहाँ स्टिच कर लिया है, अब यहाँ पर इस तरह से देखिए कटिंग कर लेते हैं। अब हम दूसरी वाली लेस लगाएंगे, तो आप अपनी लेस पसंद से लगाइएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से पहले ये वाली लेस लगाई, फिर एक थोड़ी चौड़ी, फिर इसके बाद एक पतली लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। इस तरह की पोशाक हम बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही प्यारी लगती है। जब हम ठाकुर जी को पहनाते हैं तो बहुत ही प्यारी पोशाक लगती है। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा के लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम एक लेस ही पतला वाला लगाएंगे, तो इसे भी स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से जो भी पोशाक बनाते हैं हम, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हम चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डालेंगे, लगभग 1.25 इंच की। तो पहले हम यहाँ पे तो शुरू से साइड को लॉक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसे पलटी कर दी थी इसकी, बट ये थोड़ा सा व्हाइट नीचे वाला लाइनिंग फैब्रिक है वो दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टिश्यू रोबिन लगा लेते हैं इसको। यहाँ पे टिश्यू रोबिन लगाना है, अगर हमने इसे अंदर फोल्ड कर दिया तो इतना ज़रूरी नहीं कि हम टिश्यू रोबिन लगाएं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे रिबन लगा दिया ये। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो हम यहाँ पे प्लेट्स लगभग 1.25 इंच की बराबर प्लेट्स लगाएंगे, और हमका जो घेर जो हमारा कमर का साइज रहेगा तो हम वो 9-9.5 इंच तक रखेंगे। तो प्लेट्स को एक के ऊपर एक, थोड़ा सा दो पॉइंट को छोड़ते हुए इस तरह से हम प्लेट्स एक के ऊपर एक रखेंगे और इसमें प्लेट्स स्टिच कर लेंगे। ये पोशाक बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए। बहुत ही प्यारी पोशाक लगेगी और बहुत ही कम समय में पोशाक रेडी हो जाती है। देखिए हमने यहाँ पे घूम भर के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको मेजरमेंट करते हैं कितना है हमारा, तो देखते हैं हम। देखिए हमारा है ये, हमारा 9.5 इंच है, तो हमारा बिल्कुल ठीक आया ये। और जो इसमें ऊपर धागे निकल रहे हैं इनको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम जो घेरा रखेंगे, इसकी चौड़ाई जो हमने फैब्रिक लिया था, हम 7 इंच भी ले सकते हैं, 7.5 इंच तक ले सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे कमर पे जो नेफा लगाते हैं उस नेफे को लगाएंगे। तो नेफे के लिए हमने जो फैब्रिक पट्टी ली है ये 1.5 इंच चौड़ी है, और उल्टे साइड से रखते हुए घेरे को हम उल्टा कर लेंगे, इसके ऊपर उल्टे साइड से रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए इसे हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है, और ये फैब्रिक थोड़ा सा हमें उस साइड भी निकाला है, उस साइड भी बाहर निकाला है, और जो इसमें थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे ज़्यादा है, हमें 1/2 इंच फैब्रिक चाहिए होता है फोल्ड करने के लिए। ये हमने डोरी ले ली है इस तरह से, देखिए, और अंदर की साइड फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसे इस तरह फोल्ड करेंगे 2 फोल्ड, और इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर स्टिच इस तरह से करना है कि हमारी जो डोरी है वो स्टिच ना हो,
अगर जब स्टिच हो जाएगी तो फिर हम ठाकुर जी की जब पोशाक पहनाएंगे तो हम उसे अच्छे से पहना नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा घेरा रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत पोशाक रेडी हुई है हमारी। देखिए इस प्रकार से, देखिए हमने ये फैब्रिक ले लिया, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है। और इस प्रकार से देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे, इसे सेंटर सिलाई लगाते हुए सीधा कर लेंगे इसको। देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा लिया, इसे सीधा कर लेते हैं। आप कोई भी सीधा कैंची से, कोई भी पेचकस से, जिसे भी आपको बने उससे सीधा कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ सीधा कर लिया अच्छे से, और इसको सिलाई को अच्छे से निकालते हुए सेट करते हुए इसमें एक लेस स्टिच करेंगे। जो हमने नीचे ड्रेस में किए वही लेस हम इस पर स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए स्टिच हो गया, और एक लेस हम इसमें भी पतला वाला जो था वो स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है, इसमें हम रखेंगे साइड से, एक पतला वाला लेस भी स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया, इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए लगभग 3 इंच तक ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे और 3 इंच तक सिलाई लगा लेंगे। 3 सवा 3 इंच लगाई थी हमने यहाँ पर। देखिए स्टिच कर दिया, वापस करते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये कट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पे जो फ्रॉक है नीचे घेरा उसको सेंटर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे सेंटर निकाल लेते हैं, इसमें मार्क कर लेते हैं। अब सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे रखते हुए स्टिच करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी नेफ में फोल्ड करते हुए उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ हमने डबल सिलाई लगाना है, तो इस प्रकार से डबल सिलाई लगाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है, धागा कट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये पोशाक हमारा स्टिच हो गया है, बहुत ही प्यारा ये पोशाक 10 नंबर ठाकुर जी के लिए। देखिए बैक साइड से इस प्रकार से है, अच्छे से हमारा दबा हुआ है सिलाई में। हमने यहाँ पे इस पर प्रेस लगा ली, कितनी प्यारी लग रही है पोशाक। प्रेस हमेशा उल्टी साइड से लगानी चाहिए, वरना ये लेस थोड़ा ख़राब हो जाता है अगर हम सीधी साइड से लगाएंगे। इस प्रकार से हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए राधे राधे।